अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाजिक, ये आप क्या कर रहे हैं? दादी कहती है कि तेल लगाने से कंपन कम होती है। लेकिन आराम करिए, आंखें बंद। क्या कर रहे हो तुम? दादी, दादी, दादी थोड़ा धीरे बोलिए। वो रूही अभी भी सोई है। क्या है ये सब? तुम अपनी बीवी के पैर दबा रहे हो? हाँ दादी, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मैं किसी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। दादी आपने मुझे कसम दी कि मैं आपके मामले में दखल ना दूँ, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो प्लीज अब आप मुझे मेरी इंसानियत निभाने से मत रोकिए। जी माधु जी, जी जी मैं मीटिंग में आ रहा हूँ जी। ना कहाँ जा रही हो? वो दादी पूजा करके सबके लिए खाना बनाने। वाह, बहुत चालाक समझ रही हो खुद को। मुझे बेवकूफ समझा है क्या जो तुम्हें इस कमरे में रखा है? तुम यहाँ इसलिए हो ताकि ना तुम पूरे घर में मंडराओ और ना ही मुझे तुम्हारे पीछे पीछे गंगाजल लेके दौड़ना पड़े। समर, समर। जी दादी। समर, इस कमरे के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचो। समर जाओ, पेंट लेकर आओ। सोच क्या रहे हो? रेखा बनाओ। दादी ये सब क्या है? ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है। तुम इस कमरे से बाहर तभी निकलोगी जब मैं तुम्हें इजाजत दूंगी। अब से ना तुम मंदिर जाओगी ना ही रसोई में, और गुसल खाना भी घर के पीछे वाला इस्तेमाल करोगी। ये सब क्या है माँ जी? माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। प्लीज दादी को समझाइए ना। देखिए ना, भाभी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है वो। अब आप ही कुछ कीजिए। देखिए माँ जी, वही के घर वालों ने गलत किया है। मैं जानती हूँ इस बात को। मैं भी इस बात से नाराज हूँ। माँ जी, रूही अब इस घर की बहू है। माँ जी, आपको रूही के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझे तुम्हें भी ये सजा देनी चाहिए। पहले तो तुमने इस सांवले रंग वाली लड़की से मेरे नहार की शादी करवाई, ऊपर से कोई पूछताछ भी नहीं की कि उसकी जात बिरादरी क्या है। तुम कितना भी कह लो कि तुम नहार की माँ हो, पर ऐसे मौकों पर ही पता चलता है कि कौन सगी माँ है और कौन सौतेली। और तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम नहार की सौतेली माँ हो, इसलिए इस मामले में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा।
समर खड़े क्यों हो? बनाओ रेखा। आज से तुम सिर्फ नहाने धोने के लिए इस सीमा से बाहर आओगी। तुम्हारा खाना पीना पूजा सब इसी रेखा के अंदर होगा। आज से यही तुम्हारा घर है। अपनी हद ना भूलो, इसीलिए ये बोर्ड लगा रही हूं यहां। ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा। रूही और अपवित्र लोगों का इस घर में घूमना मना है। प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी दादी की सोच बदल पाऊं। मैं अपनी मम्मी की बेटी हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। इस परीक्षा को पार करने की मुझे हिम्मत दीजिएगा खाटू जी। भाभी जी खाना। इसकी तरह तुम्हें भी सजा चाहिए क्या? थाली नीचे रख दो, कमला खाना ऊपर से डाल देगी। अब माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं है? अब किसी के कहने और सुनने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब तो हम खाटू जी से कामना कर सकते हैं कि रूही को यह सब सहने की हिम्मत मिले। और सोनी जी, मुझे पूरा यकीन है कि रूही इन सब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। क्यों नहीं उठा रही है? माना कि बाहर गई है, पर कॉल तो उठा ही सकती है ना। अगर मैंने अभी जूही का फोन उठाया, वो मुझे इस हाल में लेकर परेशान हो जाएगी। फोन कट कर दिया। Just hope सब कुछ ठीक हो।
खैर मैं बाद में कॉल कर लूंगी। रोहित का फोन? हाँ बोल। नमस्ते सुमित्रा जी, कैसी हैं आप? अरे फोन आपने उठा लिया, मुझे तो लगा कि जूही फोन उठाएगी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ फोन आपने उठाया, वैसे भी आपसे बात हो गई। क्या हुआ बहन जी, कैसी बात है? मैं कुछ समझी नहीं। पहले आप अपनी पोती का हाल देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। जूही और दादू को मत बताइएगा, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। प्लीज दादी। देख लिया ना अपनी पोती का हाल, मेरे घर में वो अब ऐसे ही रहेगी, और अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना तो आकर उसे ले जाइए। ये कैसी बदतमीजी है सुमित्रा जी, ये ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक तो मेरी पोती की ये हालत कर दी आपने, और आपकी वजह से मेरे पति की इतनी तबीयत खराब हो गई। आपको लगता है कि हमारी रूही अकेली है? तो गलत सोच रही हैं आप, हम सब उसके साथ हैं। मैं अभी एक घंटे के अंदर आती हूँ और लेकर जाती हूँ अपनी रूही को। ठीक है आइए और ले जाइए अपनी उठाई गई पोती को, मैं उसका सामान बंधवा कर रखती हूँ। लेके जाती हूँ। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।